वेलकम, बहुत स्वागत है आपका। आज मैं आपके सामने बहुत ही अच्छा होम प्लान लेकर आया हूँ। ये घर जो है वास्तु के अनुरूप बना है। हम इसकी यदि दिशाओं की बात करें तो ये उत्तर मुखी घर है, मतलब इस घर का मुख जो है वो उत्तर दिशा की ओर है। अब आइए, ये पूर्व दिशा है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है और ये दक्षिण है। दिशाएँ मैंने बता दिया। अब आ जाइए, इसकी मैं डायमेंशन की बात कर लूँ। इसकी डायमेंशन यहाँ से यहाँ तक जो ये 25 फीट है और यहाँ से यहाँ तक लंबाई 50 फीट है। तो ये 50x25 अर्थात ये 1250 स्क्वायर फीट में निर्मित है। किस प्रकार से निर्मित किया गया है वास्तु के अनुरूप, आइए हम एक एक करके जानते हैं। ये इसका मुख्य द्वार है। मुख्य द्वार जो दिया गया है बिल्कुल वास्तु के अनुरूप ये पद बांट करके दिया गया है। ये बिल्कुल चौथे पद में मुख्य द्वार दिया गया है, जो सबसे अधिक शुभ माना जाता है। जैसे ही मुख्य द्वार से आप अंदर प्रवेश करते हैं तो यहाँ पर आपको बरामदा मिल जाता है। सबसे पहले बरामदा मिल जाता है। बरामदा की लंबाई चौड़ाई की बात करें तो ये 7x8 में, ये 7 फीट है और गुने 8 फीट में ये बरामदा ये बना हुआ है। और इस बरामदे के बगल से एक गली भी छोड़ी गई है 3 फीट की, क्योंकि पूर्व दिशा में थोड़ी खुले स्पेस होने चाहिए, ये गली छोड़ी गई है। यहाँ से जैसे प्रवेश करते हैं बरामदे पे आते हैं। बरामदे के बाद आप हॉल में चले आते हैं। ये इनका हॉल है। हॉल का साइज काफ़ी बड़ा है। यहाँ से यहाँ तक लंबाई 20 फीट है और चौड़ाई भी लगभग 20 फीट है। हालांकि कुछ जगह इसके कटते हैं, हालांकि सीढ़ी के नीचे की सारी जगह यहाँ हॉल में या फिर लिविंग एरिया में यूज आती है। आपके हॉल और लिविंग एरिया यदि एक जगह होते हैं साथ में डाइनिंग स्पेस, तो आपका घर में काफ़ी अधिक स्पेस होता है। तीन का ये सेंट्रलाइज है और केंद्र में ब्रह्म स्थान को ओपन रखा गया है। ये खुला रखा गया, ओपन नहीं, खुला रखा गया। यहाँ कोई निर्माण नहीं किया गया, ये वास्तु के अनुरूप होता है। अब देखिए, मैं वास्तु की बात कर लूँ, सबसे पहले ये केंद्र है, ये ब्रह्म स्थान है। यहाँ किसी प्रकार का निर्माण यहाँ नहीं किया गया है। उत्तर मुखी घर था। उत्तर दिशा में सही जगह पर प्रवेश करते हैं आप, बरामदे पर आते हैं। बरामदे के बाद आप हॉल में चले आते हैं। हॉल के बाद ये बिल्कुल वायु कोण वाले क्षेत्र में, अर्थात उत्तर एवं पश्चिम के कॉर्नर वाले क्षेत्र में 12x12 फीट इसकी लंबाई है, 12 फीट इसकी चौड़ाई है। ये गेस्ट रूम दिया गया है एक बड़े साइज का, 144 स्क्वायर फीट, काफ़ी बड़ा एरिया होता है। अब इस रूम से संलग्न एक शौचालय बाथरूम दिए गए हैं, जिनकी देख लें 4x10 फीट में शौचालय बाथरूम दिया गया है। अब इस रूम के वेंटिलेशन के लिए ये येलो वाला खिड़की दिया गया। जितने भी ये येलो से सिंबल हैं, ये विंडोज के सिंबल हैं। इस बाथरूम में वेंटिलेशन के लिए ये येलो से यहाँ पर वेंटिलेशन की व्यवस्था दी गई है। आप यहाँ हॉल में आते हैं, हॉल में देखें बिल्कुल यहाँ पर सीढ़ी दी गई है। इस प्रकार से रोटेट होते हुए सीढ़ी ऊपर चली जाती है। इसकी यहाँ से यहाँ तक लंबाई 12 फीट, अर्थात ये सीढ़ी बनाने के लिए सिर्फ 6 फीट की आवश्यकता होती है न्यूनतम। और लंबाई 12 फीट हो, 6 हो तो सीढ़ी बन जाती है। लेकिन यहाँ देखें 12 फीट इसकी चौड़ाई है। सीढ़ी इस प्रकार से बनाई गई है कि ये इसके नीचे का पूरा स्पेस आपको डाइनिंग स्पेस या हॉल में रूप में प्रयुक्त होता है। सीढ़ी बनाई गई है वास्तु के अनुरूप बिल्कुल पश्चिम दिशा में। ये भी देखें वास्तु के अनुरूप पूर्व दिशा में ये गली छोड़ा गया है। वास्तु के अनुरूप पूर्व दिशा में देखिए विंडो छोड़ा गया है। वास्तु के अनुरूप पूर्व दिशा में यहाँ पर एक डोर चौथे पद में छोड़ा गया है बाहर निकलने के लिए। अब यहाँ से अग्नि कोण वाले क्षेत्र में ये रसोई दिया गया। ये जो है किचन है, पूर्व और दक्षिण के कॉर्नर वाले एरिया में रसोई घर दिया गया। रसोई घर की लंबाई चौड़ाई की यदि हम बात कर लें तो ये 8 फीट है और ये 11 फीट है। किचन के वेंटिलेशन के लिए एक खिड़की यहाँ दी गई है, दूसरी खिड़की यहाँ दी गई है और ये 88 स्क्वायर फीट में काफ़ी बड़ा आपको रसोई घर यहाँ पर मिल जाता है। और यहाँ पर आप आइए, 8x5 अर्थात ये 40 स्क्वायर फीट है। यहाँ से यहाँ तक लंबाई 8 फीट है और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 5 फीट है। तो ये 40 स्क्वायर फीट में एक शौचालय बाथरूम दिया गया है, जो काफ़ी बड़े साइज का है। इसके वेंटिलेशन हेतु यहाँ पर एक शाफ्ट छोड़ा गया है, चूँकि इसमें तीन दिशाओं में कहीं कोई जगह नहीं है, चारों तरफ से क्लोज है, तो आपको वेंटिलेशन हेतु अपना जगह छोड़ना पड़ता है। तो यहाँ एक शाफ्ट छोड़ा गया जो खुला रहेगा। इसमें एक वेंटिलेशन ये बाथरूम का हो रहा है, दूसरा वेंटिलेशन यहाँ पर रसोई घर का हो रहा है। अब आइए हम चलते हैं मास्टर बेडरूम नैऋत्य कोण में। दक्षिण पश्चिम में मास्टर बेडरूम बनानी चाहिए, तो यहाँ पर निर्माण की गई है।
यहाँ से देखिए ये दक्षिण पश्चिम में 15x10 150 स्क्वायर फीट का एक मास्टर बेडरूम बनाया गया है। तो आप देखिए कि इस घर में 2 BHK बनाया गया है, बहुत ही सुंदर निर्माण है। 25x50 में आपके पास इससे मिलता जुलता यदि कोई मेजरमेंट हो तो भी यहाँ पर प्लान को बनाया जा सकता है। आप देखिए कितना प्रॉपर वे में इसे बनाया गया है। आज के अंक में इतना ही, और सबसे बड़ी बात है कि ये वास्तु के अनुरूप है, उत्तर मुखी, नॉर्थ फेस हाउस। धन्यवाद।